गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसका जो कंसेप्ट था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंटोनी लेवोशियर। ठीक है, इसके लिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। बिकॉज स्टार्टिंग में जिस टाइम के ऊपर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि हम किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाते, उस टाइम के ऊपर इन्होंने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया था इनटू टू कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो थी वो जनरली कैसी थी, सॉलिड इन नेचर, और जो हमारे पास नॉन मेटल्स थी वो कैसी थी, गैसेस। ठीक है, इनका एक ड्रॉबैक भी रहा क्योंकि उस टाइम के ऊपर इन्होंने बहुत सारे मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को क्या कर दिया था, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर मेटल्स की कैटेगरी में क्राउट्स हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसको आप यूनिटरी थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्राउट्स जो हमारे पास हाइड्रोजन इज अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनके जो एटम्स है वो किससे मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, जो लेटर ऑन क्या हो गई थी, डिस्कार्ड हो गई थी। ठीक है, दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1815। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट आया था वो किसने दिया था, डॉबेरिनियन ने। ठीक है, डॉबेरिनियस ट्रायड रूल। अब यहां पर इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, ट्रायड। ठीक है, ट्रायड क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में या ट्रायड की फॉर्म में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब अरेंजमेंट कैसा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स के बारे में अभी उनको कुछ नहीं पता था कि न्यूक्लियस कैसे आपका एटॉमिक नंबर बनता है, कौन किस किस को काउंट करके किसके इक्वल वो होता है, इसके बारे में इनको कुछ नहीं पता था। तो इन्होंने उस टाइम के ऊपर सिर्फ एटॉमिक मासेस के ऊपर क्या कर दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के ऊपर अपने ट्रायड में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। ठीक है, वो कैसे किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी, ये हमारे पास थ्री मेंबर्स हैं ट्रायड के। ठीक है, ए का एटॉमिक मास ए है और बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी। ठीक है, अब इन अ गिवन ट्रायड जो आपके पास मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, कि आपके सेंटर में वही एलिमेंट प्लेस होगा जिसका जो एवरेज मास है वो किसके बराबर होगा, या तो अप्रोक्सीमेटली या इक्वल टू एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, ए प्लस सी डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या कर देते हैं, उन्होंने अपने टाइम के ऊपर तीन ट्रायड दिए थे, तो फर्स्ट ट्रायड को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटे, हमारे पास नॉर्मली क्या है कि सेंटर में वो एलिमेंट प्लेस होगा जिसका जो एवरेज मास है, ठीक है, जिसका जो मास है वो किसका एवरेज मास हो, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 46 डिवाइडेड बाय 2, 23। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 23 है उसको प्लेस किया जाएगा लिथियम एंड पोटेशियम के बीच में। ठीक है, अब हमने एक चीज की, जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो मास है वो क्या है, एवरेज मास है फर्स्ट एंड थर्ड का। इट मींस कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या करेगी, लाई करेगी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बीच में। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नीट में कैसे आने वाला है इसके ऊपर वो हम आपको बता देते हैं, कि हमारे पास हमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ ट्रायड पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं एक रफ फॉर्म बना लेता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, ये इस तरह से, ये क्या है आपके पास वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ये आपके पास ग्रुप्स है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती है, पीरियड्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इन एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, तो आप क्या देखोगे कि लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अब आपको नेक्स्ट चीज, एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट कैसे किया गया है,
एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर। तो आपने क्या कर लेना है, इसके एटॉमिक नंबर्स लिख लेने हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लिथियम का होता है 3, पोटेशियम का होता है 19। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख लीजिए 3, 11 एंड 19। ठीक है, तो अब हमने इसके की पॉइंट्स बनाने हैं जिसकी हेल्प से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को देख के उनके ट्रायड्स बना सकते, इस रूल को वहां पे अप्लाई कर सकते। तो आपने क्या किया बेटे, सबसे पहले जैसे ही हमने देखा तो आपके पास जो जितने भी एलिमेंट्स आपके ट्रायड बना रहे हैं वो कहां से है, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट की पॉइंट हमारा क्या बन गया, बना दिया कि एलिमेंट्स शुड बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। ठीक है, कैसे होने चाहिए, सेम ग्रुप के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, अब सेकंड आप चेक करिए, अब एटॉमिक नंबर डिफरेंस के ऊपर चलेंगे हम। यहां पे आप ध्यान से देखिए कि लिथियम और सोडियम के बीच में 8 का डिफरेंस है, सोडियम और पोटेशियम के बीच में अगेन 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब एक चीज हम और लिख सकते हैं, की पॉइंट हम और बना सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में क्या होना चाहिए बेटे, एटॉमिक नंबर डिफरेंस शुड बी सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंस शुड बी सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस शुड बी सेम। ठीक है, ये मैंने आपको दो की पॉइंट बना लिए। अब आप अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए और उस पर अप्लाई करके देखिए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ ट्रायड्स बनेंगे। इन दोनों की पॉइंट्स की हेल्प से आप अपना जो आपका क्वेश्चन आपको आने वाला है इसके ऊपर उसको इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एरर के चांसेस ना के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, डॉबेरियस ट्रायड रूल। अब इसकी डीमेरिट्स भी थी कि डिस्कार्ड क्यों हुआ था, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। ठीक है, कि ये एक तो लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था और कुछ ही एलिमेंट्स को ये कैटेगराइज कर पाया। ठीक है जी, डॉबेरियस ट्रायड रूल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिर से एक वर्ड यूज किया है, ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब होता है सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया है, ग्रुपिंग कर दी है 8 एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट रिपीट्स इन एवरी 8th एलिमेंट। कि जो फर्स्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कहां पे रिपीट कर रही है, एवरी 8th एलिमेंट में। ठीक है, इट मींस कि जो आपके पास फर्स्ट और 8th एलिमेंट है वो आपका सेम ग्रुप से बिलोंग करे। ठीक है, अब वो कैसे, लाइक म्यूजिक नोटेशन। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जैसे आपके पास सा कहाँ कर रहा है, 8th में रिपीट कर रहा है, उसी तरह से जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज होगी जब आप इसको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या करेगी, रिपीट करेगी किस में, इन एवरी 8th एलिमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए कैसे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमने लिथियम से शुरू करना है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, नोबल गैसेस को छोड़ देना है क्योंकि नोबल गैसेस के टाइम पे डिस्कवरीज नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को लिख लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटे, नंबरिंग इसकी नॉर्मली करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमने लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मार्क कर दिया है। ठीक है, बेरिलियम को सेकंड, बोरॉन को थर्ड, कार्बन को फोर्थ, नाइट्रोजन को फिफ्थ, ऑक्सीजन को सिक्स, फ्लोरीन को सेवन और एट्थ हमारा क्या आ रहा है, सोडियम। मतलब क्या हुआ कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। अब हमारे पास क्या है, सेकंड में अगर आप बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट लेते हो तो एट्थ कौन सा आ रहा है, मैग्नीशियम। बोरॉन को फर्स्ट लेते हो तो एट्थ कौन सा आ रहा है, एल्युमिनियम। कार्बन को फर्स्ट लेते हो तो सिलिकन कौन सा आ रहा है, आपका एट्थ एलिमेंट। नाइट्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट लोगे तो आपके पास फॉस्फोरस क्या आ जाएगा, आपका एट्थ एलिमेंट।
ऑक्सीजन को फर्स्ट लोगे तो सल्फर आपका 8th एलिमेंट आ जाएगा, फ्लोरीन को फर्स्ट लोगे तो क्लोरीन आपका 8th आ जाएगा, सोडियम को लोगे तो पोटेशियम 8th आएगा, मैग्नीशियम को फर्स्ट लोगे तो कैल्शियम आपका 8th आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ सीधा सीधा बोलने का, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है 8th एलिमेंट में। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट होगा वो आपका सेम ग्रुप का मेंबर होगा। ये सारी चीजें हमें किसने बताई थी, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल ने। ठीक है, जो कि इन्होंने कब दिया था हमारे पास, 1865 में दिया था। ठीक है, लेटर ऑन ये डिस्कार्ड हो गया था। ठीक है, और कब ये डिस्कार्ड हुआ था, जब आपकी नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई थी। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, जैसे ही नोबल गैसेस इसमें ऐड हो जाएगी बीच में, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट आया था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था लोथर मेयर ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था, लोथर मेयर ने, लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास आई थी 1869 में। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसने सबसे पहले पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, प्रॉपरली नहीं कर पाए थे लेकिन पीरियोडिसिटी वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, पीरियोडिक इन फंक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके जैसा हमने लिख रखा है, अगेन ये जो आपके पास जो रूल है, ये क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। मतलब जब आप एलिमेंट्स को इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर अरेंज करोगे तो आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या है, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, पीरियोडिसिटी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या किया था, इट वॉज अ फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, एक फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, किसके बीच में इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मासेस के बीच में। ठीक है, तो कैसे इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था वो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो था कुछ इस तरह से ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन आ जाएगा ऊपर, लिथियम, ये आपकी टॉप मोस्ट पोजिशन है, पहले उनको मार्क कर लीजिए। टॉप मोस्ट पोजिशन किसने ले ली थी, एल्कली मेटल्स ने। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा पोर्शन रहता है, ये आपका असेंडिंग पोर्शन है, ये आपका असेंडिंग पोर्शन है जो मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये असेंडिंग पोर्शन में कौन आता है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन रहता है आपका, ये आपका डिसेंडिंग पोर्शन है। ठीक है, यहां से नीचे की तरफ आ रहे, यहां से ऊपर की तरफ जा रहे, तो यहां पे कौन आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, लाइक यहां पे आ जाएगा बेरिलियम, यहां पे आ जाएगा मैग्नीशियम, और यहां पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, अब आपके पास थर्ड क्या है, लोअर मोस्ट पोजीशन, और ये जो लोअर मोस्ट पोजीशन थी ये लोथर मेयर कर्व में किसने ली थी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है विच शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज किसकी, किसके बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। तभी आपने देखा होगा लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में प्लेस किया गया है। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है नीट में, आपको कोई पोजीशन दे देगा इन लोथर मेयर्स कर्व। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन या पीक पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, ऑप्शंस होंगे एल्की मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या हैलोजन्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो टॉप मोस्ट पोजीशंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, टॉप पोजीशंस, टॉप पोजीशन किसने ले रखी थी, एल्की मेटल्स ने। ठीक है, एल्कली मेटल्स। ठीक है, और उसके बाद है असेंडिंग पोर्शन। असेंडिंग पोर्शन में कौन आ गया था, असेंडिंग पोजीशंस में कौन आ गए थे हमारे पास, हैलोजन्स। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट है डिसेंडिंग पोजीशंस। डिसेंडिंग पोजीशंस किसने ऑक्यूपाई कर ली थी, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ठीक है, अब इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये कहां पे प्रेजेंट है, कहां से एक्सट्रैक्ट की गई है, अर्थ की क्रस्ट से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हमारे पास आती है लोअर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशंस। ठीक है, वो किसने ऑक्यूपाई कर रखी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो असेंडिंग पोर्शन में पूछ लेगा या डिसेंडिंग पोर्शन में पूछ लेगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं हमारे पास लोथर मेयर कर्व डिस्ट्रीब्यूशन के की पॉइंट्स। ठीक है, कि एडवांटेजेस, कि किन नए की पॉइंट्स को इन्होंने
इंट्रोड्यूस करने में हेल्प की थी। जैसे फर्स्ट वर्ड इन्होंने यूज किया था पीरियडिसिटी, ठीक है। पीरियडिसिटी क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम कह सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कह सकते हो, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास चंडीगढ़ में, ठीक है, आप जाते हो तो आपको दिखता है कि ये हमारे पास क्या है, गोल चक्कर है, ठीक है, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर के बाद, यहाँ भी 2 किलोमीटर, यहाँ भी 2 किलोमीटर, यहाँ भी 2 किलोमीटर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज गोल चक्कर्स आर रिपीटिंग इन फंक्शन या पीरियोडिक इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है, रिपीट होती है एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बाद, ठीक है। टर्म पीरियोडिसिटी यहां से आपकी क्या हो गई थी, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर ली थी। इसके बाद इसके ऊपर किसने काम किया, हमारे मेंडलीव ने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेंडलीव लॉ ऑफ प्रेडिक्टेबल, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, मेंडलीव ने, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये हमारे पास एक फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्म आई थी पीरियोडिक टेबल की, जिसमें आपके पास टेबल लाइक फॉर्म को बनाया गया था, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इट वॉज बेस्ड ऑन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक मासेस, कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होगी, पीरियोडिक इन फंक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर उनके कुछ पीरियोडिक टेबल के कुछ की पॉइंट्स थे कि उनके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस टाइम पे कितने डिस्कवर्ड थे, 63 एलिमेंट्स, और इन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में अरेंज किया था, ठीक है। अब ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम्स है ये हमारे पास ग्रुप्स है, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है, इनको आप क्या कहते हो, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो आपके पास जो एलिमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, 63 एलिमेंट्स को पहले तो ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया, जो आपके पास ग्रुप्स थे, ठीक है, ग्रुप्स को इन्होंने क्या कर दिया, अब आप ध्यान से देखिए, ग्रुप्स को इन्होंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया इनटू टू सब ग्रुप्स ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी क्या थे, ए में आप उन्होंने किसको रख दिया, नॉर्मल एलिमेंट्स को, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, और बी ग्रुप में इन्होंने किसको डाल दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन। अब नॉर्मल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो खुद की प्रॉपर्टीज को इंडिपेंडेंटली डिफाइन करते हैं, जैसे कोई चीज मेटल है तो मेटल की मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगी, नॉन मेटल है तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगी, और जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होती है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करती है, ठीक है। इन नॉर्मल एलिमेंट्स को इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा था, ठीक है। तो इन्होंने टोटल, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 8, ठीक है, जो ये 8 ग्रुप्स है इनको सब डिवाइड कर रखा है ए एंड बी सब ग्रुप्स में, ठीक है। तो मैं आपके पास एक इनका एक ग्रुप का अरेंजमेंट आपको बता देता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम, ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। इनके एक ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टेबल लाइक फॉर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी, हमारे पास मेंडलीव ने फर्स्ट टेबल लाइक फॉर्म इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। अब उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसकी कुछ हमारे पास क्या थी, मेरिट्स थी, ठीक है, कि सबसे पहले जब उन्होंने टेबल लाइक फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया था तो एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो गया, क्यों, क्योंकि आपके पास जो जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो क्या है, प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर या सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर उनको किसी एक ग्रुप में डाल दिया गया, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या है उनको इजिली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जो इनकी सेकेंड एक एडवांटेज क्या थी, इन्होंने क्या दिया था, जो डाउटफुल मासेस थे, ठीक है, उनके मास नंबर्स इन्होंने दिए थे। वो मास नंबर इन्होंने कैसे कैलकुलेट किए थे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे हम एक एग्जांपल उठा रहे हैं, इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे हम एक छोटा सा एग्जांपल उठा रहे हैं बेरिलियम का, ठीक है, जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
फोर और मास नंबर होता है 9। अब इन्होंने कैसे निकाला वो चीज आप ध्यान से देखिए, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2, ठीक है। और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट कितना है 4.5, ठीक है। तो इसका मास नंबर कितना बन गया हमारे पास, मास नंबर कितना बन गया 9, ठीक है। तो ये इनकी सेकेंड अचीवमेंट थी, ठीक है। थर्ड अचीवमेंट इनकी क्या थी, इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स की डिस्कवरीज में हेल्प की जो कि उस टाइम के ऊपर डिस्कवर्ड नहीं थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। या नॉर्मली आप कह सकते हो कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की ग्रुपिंग ऑलरेडी कर दी थी बिफोर देयर डिस्कवरीज, ठीक है। वो कैसे, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक, हमने एक ग्रुप उठा लिया है, ठीक है। हमारे पास इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड एक्स, ठीक है। दूसरा है कार्बन, सिलिकन एंड वाई, ठीक है। जो ये एक्स, इन्होंने जो ये एलिमेंट उठाया है, ठीक है, इस टाइम पे इनको पता नहीं था कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ उन्होंने उसकी पोजीशन बता दी थी बिफोर देयर डिस्कवरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। कि मतलब जिसकी भी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से रिजेंबल करेगी उसकी पोजीशन कहां पे आएगी, एल्यूमिनियम के पास, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद, ठीक है, उसके ग्रुप में। अब नॉर्मली हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो ध्यान से देखिए कि उन्होंने खुद के पीरियोडिक टेबल में इसको क्या नाम दिया था, इका एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसको आज की डेट में हम किसके नाम से जानते हैं, गैलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो दूसरा इन्होंने नाम दिया था वो दिया था इका सिलिकन, ठीक है, जो कि आज क्या है, जर्मेनियम, जीई इसका सिंबल है। इनकी जो अरेंजमेंट थी या क्लासिफिकेशन थी या पोजीशन इनकी पहले ही पीरियोडिक टेबल में आ गई थी बिफोर देयर डिस्कवरीज। ये क्या थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसकी, मेंडेलीव की, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, कुछ अचीवमेंट्स थी। अब हम आपको बताएंगे कि इनकी डीमेरिट्स क्या थी, ये लॉ किस वजह से डिस्कार्ड हुआ। अब हमारे पास जो सबसे पहली जो डीमेरिट्स थी किसकी, मेंडेलीव की, वो क्या थी, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली जो डीमेरिट थी वो आपके पास ये थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कि इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें हाइड्रोजन एटम की पोजीशन फिक्स्ड नहीं थी, ठीक है। सेकंड जो इनकी डीमेरिट, बहुत बड़ी डीमेरिट थी, वो थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, ये भी फिक्स्ड नहीं थी, ठीक है। थर्ड इनका जो एक ड्रॉबैक था वो ये ड्रॉबैक था कि कुछ ऐसे एनामोलस एलिमेंट थे, ठीक है, जिनके जो एनामोलस मासेस शो कर रहे थे उनका ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 39, आर्गन है उसका भी एटॉमिक नंबर 39, तो ये क्या है आपके पास, पोटेशियम एंड आर्गन जिनके मास नंबर आपके पास 39 है दोनों के, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इनको प्लेस नहीं कर पाए थे, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि इन मास नंबर के बेसिस, सेम मास नंबर के बेसिस के ऊपर इन्होंने दो डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या कर दिया था, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया था, ठीक है। कहीं तो इन्होंने लाइक जो एलिमेंट्स थे उनको कहां डाल दिया, डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है, और कहीं पे इन्होंने क्या कर दिया था, डिसिमिलर, जो अनलाइक, या आप नॉर्मली कह सकते हो जो अनलाइक आपके पास एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर इन्होंने सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो ये भी एक इनकी बहुत बड़ी डीमेरिट थी, ठीक है। एक आखिरी इनकी डीमेरिट क्या थी, वो ये थी, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पीरियडिसिटी। जो पीरियडिसिटी का जो कंसेप्ट है जो कि इन्होंने पहले बेस लिया है अपने लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो मास नंबर है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे जो मास नंबर है वो इररेगुलरली क्यों इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बारे में इनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इन्हीं वजह से इनका जो लॉ है वो क्या हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था, ठीक है। तो इन सारी जो डीमेरिट्स है उनको किसने स्टडी किया आगे जाके, हेनरी मोजले ने, और एक पीरियोडिक टेबल का नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो कि किस चीज के ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम रैमजे ने, ठीक है, और उन्होंने इसको किस ग्रुप में ऐड किया था, जीरोथ ग्रुप में,
किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। उस टाइम के ऊपर हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट हीलियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफाइंड थी कि ये किसी के साथ, किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इन्होंने आर्गन को स्टडी किया कि आर्गन भी कुछ ऐसे ही करेक्टर शो कर रही है, तो इन्होंने आर्गन को किस में प्लेस कर दिया था, हीलियम वाले ग्रुप में, ठीक है। और इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया था, जीरोथ ग्रुप एलिमेंट, और किस बेसिस के ऊपर था, उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस के ऊपर। और लेटर ऑन इसको ऐड कर दिया गया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एज अ नाइंथ ग्रुप, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि किसी चीज में अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके लिए आप हमारा लाइव डाउट सेशन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उस लाइव सेशन को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है, उसमें एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, आपको उसको फिल करना है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब आपका लाइव डाउट सेशन होना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।